हाय गाइज, मैं कमल प्रजापति और आप देख रहे हैं इंटीरियर के फंडे। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबल प्लाईवुड के बारे में। अगर आप भी अपने घर में फर्नीचर का काम करवाने जा रहे हैं या फिर करवाने वाले हैं और उसमें कुछ नया कुछ ट्राई करना चाहते हैं या फिर कुछ नया डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, एक कर्व शेप देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लेक्सिबल प्लाईवुड एक ऐसा प्लाईवुड है जिसको बेंड किया जा सकता है, यानी कि मोड़ी जा सकती है। यह प्लाईवुड रेगुलर प्लाईवुड से हल्की होती है। इसको ट्रांसपोर्ट करना और इस पर काम करना बहुत ही आसान होता है, इसीलिए यह कारपेंटरों के लिए एक पसंदीदा प्लाईवुड मानी जाती है। इसे बनाने में हार्डवुड का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मैं इसकी लकड़ी की क्वालिटी के बारे में अगर बात करूँ तो गाइस, इसकी जो लकड़ी का क्वालिटी है वो ठीक ठाक होती है, ये टिकाऊ भी है, आसानी से चल जाती है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में अगर बात करें तो गाइस देखिए, इसका इस्तेमाल इंटीरियर में किया जाता है, एक्सटीरियर में बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर कैपेसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है। अगर इसके यूज को देखें तो गाइस देखिए, जब भी आप फर्नीचर का काम करवाते हैं और एक कर्व शेप देना होता है, यानी कि आप वहाँ पे कर्व एक बनाना होता है, राउंड होता है, ओवल होता है, अगर वो शेप देना चाहते हैं तो इस प्लाईवुड का आसानी से काम में लाया जाता है। इसी प्लाईवुड के जरिए वहाँ पे कर्व और ओवल का शेप दिया जाता है फर्नीचर में। जैसे कि रिसेप्शन के जो फर्नीचर होते हैं उसका अगर कर्व शेप देना हो, उस फर्नीचर को कर्व में बनाना हो, तो इस प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है। सोफ़ा में कर्व के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेड में कर्व के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टीवी यूनिट के आसपास में कर्व के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत सारे जो फर्नीचर बनते हैं जिसमें कर्व शेप या फिर ओवल शेप का अगर देना होता है तो इसी प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ्लेक्सिबल प्लाईवुड का ही इस्तेमाल के द्वारा ही उसे कर्व शेप दिया जाता है। अगर इसके थिकनेस को देखें तो 3 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 12 mm तक मार्केट में ये अवेलेबल हो जाती है। अब और गाइस, अगर आपको इससे मोटी अगर इस्तेमाल करनी हो, अगर मान लीजिए कि आपको अगर 18 mm का कहीं कर्व देना हो, तो उस जगह पे आप एक 12 mm का पहले प्लाईवुड का इस्तेमाल कर लें, उसको पहले एक लेयर वहाँ पे एप्लीकेशन कर लें, यानी कि चढ़ा लें, उसके बाद आप 6 mm का एक और लेयर चढ़ा के आप 12 mm का कर्व बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप 2 प्लाईवुड के जरिए वहाँ पे कर्व शेप आसानी से दे सकते हैं, किसी तरीके का दिक्कत नहीं आती है। अभी तक मैं 12 mm तक ही इस प्लाईवुड में काम किया हूँ और मार्केट में अभी कुछ कंपनियाँ हैं जो 16 mm में बनाने लगी हैं, किंतु डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहते हैं, आपके सिटी में अवेलेबल है कि नहीं है, आपके शहर तक ये प्लाईवुड अभी तक पहुँची है कि नहीं 16 mm की, ये देखने वाली बात होती है। तो अगर आपको मोटी अगर कर्व चाहिए तो आप 2 प्लाई का इस्तेमाल ईजिली कर सकते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन साइज होता है वो है 8/4, 7/4, 6/4 और अभी तो कुछ कंपनियां 10/4 की भी बनाने लगी हैं, किंतु 10/4 की मार्केट में कम अवेलेबल है, 8/4, 7/4 और 6/4 मार्केट में जी भी अवेलेबल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके प्राइस को देखें तो रेगुलर प्लाईवुड से इसका प्राइस लगभग डबल होती है। मान लें कि रेगुलर प्लाईवुड जो होती है, अगर सेम साइज की अगर खरीदते, मान लीजिए 8/4 का अगर एक साइज खरीद रहे हैं, उसका थिकनेस 12 mm का है और उसका प्राइस 2000 से 2500 के बीच में है, तो सेम क्वालिटी की आपको प्लाईवुड जो फ्लेक्सिबल में अगर हम लेने जाते हैं तो वो करीब करीब 4000 के आसपास में मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि रेगुलर जो प्लाईवुड होती है उससे इसका डबल प्राइस होती है। यह प्लाईवुड 45 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर लगभग 130 या 140 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में इजी अवेलेबल होती है, और डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहते हैं, यानी कि आप किस शहर में रहते हैं, आपका ब्रांड क्या है, आपका ग्रेड क्या है और आपका थिकनेस क्या है, इस पर भी प्राइस अप डाउन होती है। ओवरऑल अगर मैं इस प्लाईवुड के बारे में बात करूं तो गाइस देखिए, मैं लंबे समय से इस प्लाईवुड का इस्तेमाल कर रहा हूं और अभी तक किसी तरीके का दिक्कत नहीं आती है। देखिए, अगर मैं इसके लाइफ के बारे में बात करूं तो इसका लाइफ भी नॉर्मल प्लाईवुड की ही जैसी होती है, जो रेगुलर प्लाईवुड होती है उसी की जैसी होती है और लंबे समय तक चलती है, टिकाऊ प्लाईवुड होती है और इस पर काम करना बहुत ही आसान होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक ले आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अगर किसी तरीके का डाउट हो, अगर किसी तरीके का कन्फ्यूजन हो वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ। इसी के साथ गाइस, वीडियो को देखते रहे, हंसते रहे और मुस्कुराते रहें।